Hello students, welcome in my maths class. Today we are going to solve your next exercise is 6.6. In your exercise 6.6, your first question is filling the blanks. यहाँ पे आपका first question है filling the blanks. तो first question दे रखा है इसमें the smallest prime number is. सबसे छोटा prime number कौन सा होता है? सबसे पहले digit start होती है one. One नहीं होता है, one के next two. Two होता है, वो prime number होता है because two only. टू के डबल में होता है, टू से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा टू. नेक्स्ट है द नंबर वन इज ए. वन जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है? नहीं होता. कंपोजिट नंबर? नहीं होता. तो वन कौन सा नंबर होता है? वन होता है स्पेशल नंबर या फिर यूनिक नंबर. कौन सा नंबर? वन होता है, या तो वन स्पेशल नंबर होता है या फिर वन यूनिक नंबर होता है. नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब फर्स्ट आते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. कंपोजिट नंबर होते हैं कि उनके जो वन इटसेल्फ खुद से और अदर डिजिट से भी डिवाइड होते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं वन से. वन कंपोजिट नंबर नहीं होता. टू प्राइम नंबर होता है, थ्री भी प्राइम नंबर होता है, फिर आता है नेक्स्ट फोर, जिसके टू से ज्यादा फैक्टर्स हो. तो फोर है, फोर वन, फोर के फैक्टर्स होते हैं वन टू एंड फोर. मोर देन टू हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा? फोर. सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आएगा हमारा फोर. नेक्स्ट है इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ऐसा प्राइम नंबर जो इवन नंबर भी है, ऐसा नंबर जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो वो कौन सा होगा? टू. टू इवन भी होता है और टू प्राइम नंबर भी होता है. नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स हैव और मोर फैक्टर्स. जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनमें कितने फैक्टर्स होते हैं? थ्री या थ्री से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तभी तो कौन से नंबर बनते हैं? कंपोजिट नंबर बनते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे थ्री और मोर फैक्टर्स. नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स विद ए कंपोजिट नंबर इन बिटवीन आर कॉल्ड. कि जब प्राइम नंबर विद इन ए कंपोजिट नंबर, जब दो कंपोजिट नंबर के बीच में हमारा प्राइम नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो ट्विन प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स बिटवीन वन एंड टेन. वन टू टेन के बीच में आपको कौन कौन से नंबर लिखने हैं? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ, इसके अलावा किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होते हैं. तो वन टू आपको टेन के बीच में प्राइम नंबर लिखने हैं. तो होंगे टू थ्री फोर कंपोजिट नंबर होता है, फिर आता है फाइव, फाइव भी प्राइम नंबर होता है, सिक्स कंपोजिट, सेवन प्राइम नंबर, एट कंपोजिट नंबर, नाइन भी कंपोजिट नंबर. तो वन टू टेन हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? टू थ्री फाइव एंड सेवन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 टू 35 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. आपको 15 टू 25 के फाइंड करने हैं कि कौन से तो प्राइम नंबर है एंड कौन से कंपोजिट नंबर है. सबसे पहले प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ. कंपोजिट नंबर जिनके टू और टू से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर. अब यहाँ पे मैंने 16 टू 35 सारे नंबर्स मेंशन कर रखे हैं. इनमें जो प्राइम नंबर है इनको तो हम क्या करेंगे? अंडरलाइन. एंड द कंपोजिट नंबर उनको क्या करेंगे? सर्किट. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर कौन सा होता है. प्राइम नंबर होगा, अंडरलाइन करना है, 17 19 21. कंपोजिट नंबर होता है 22 23. 23 कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर. 24 25 26 27 28 29 भी होता है प्राइम नंबर. 31 प्राइम नंबर. 32 33 34 एंड 35. अब जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे कौन से नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर. तो आप इनको सर्किल कर दो, या आप जो भी डिजिट रिमेनिंग है उनको आप डायरेक्ट भी कौन से नंबर मेंशन में लिख सकते हो? कंपोजिट नंबर में लिख सकते हो. ओके, कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके टू से भी ज्यादा क्या होते हैं?
फैक्टर्स होते हैं और प्राइम नंबर जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं वन और इटसेल्फ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आपको डिजिट दे रखी है 26 नंबर्स है, 26, 37, 36, 37, 39, 43, 45, 51, 52, 54, 57, 58, 59 and 60। इनमें से आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर बताना है कि कौन से नंबर प्राइम है कौन से कंपोजिट नंबर है। तो से प्राइम नंबर होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, तो 37 का कोई फैक्टर नहीं होता, 1 and 37 होता है सिर्फ। नेक्स्ट है 43 के भी टू फैक्टर्स होते हैं, 1 और 43। एंड नेक्स्ट है 59। अब जितने भी नंबर्स का डिजिट